अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इस चैनल के जरिए मछली बनाना सिखाएंगे। मछली में हम घरेलू मसाला लगाकर आपको तैयार करेंगे। इस मछली को हमने सबसे पहले अच्छे तरीके से सादा पानी के साथ धो लिया। इसके बाद आटा लिया, सूखा आटा जो आम घर में मौजूद है, उसके साथ मछली को मसला और मसल का फिर से हमने धो लिया। इसके अलावा अगर आपको फिर भी होता है कि थोड़ी सी इसकी बदबू आ रही है या स्मेल आ रही है, तो आपने क्या करना है, दही की पतली सी कच्ची लस्सी बनाकर उसके अंदर इसको डिप कर लेना, थोड़ी देर रखें, उसके बाद वॉश कर लें ऐसे 1 आध मिनट के लिए। हमने इसको वॉश कर लिया। अब इसके अंदर जो मसाले डालेंगे हम आपको वो बताते हैं। इसके लिए हमने 2 टेबल स्पून बड़े हमने सूख मिर्च के लिए हैं, अजवाइन 1 चम्मच, गरम मसाला हमने 1 चम्मच लिया है, हल्दी 1 चम्मच और थोड़ा सा नमक हसबे ज़रूरत, क्योंकि मछली को ऑलरेडी 3 से 4 घंटे नमक लगा हुआ था और नमक के साथ अजवाइन भी। ये अदरक, लहसुन, लीमू और हरी मिर्चें, अदरक की भी पेस्ट बना ली है, लहसुन की भी बना ली और साथ में सूखा धनिया साबुत था हमने पीस लिया उसको मोटा मोटा, और साथ में हमने दही ली 1 प्याली और पानी, सादा पानी थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच। अब हम सबसे पहले अदरक और लहसुन को पानी में शामिल करेंगे और साथ में दही के 2 चम्मच शामिल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से पेस्ट बनाकर इनके ऊपर लगा दें, ऐसे फिश के ऊपर आपने लगाते जाना है। इस तरह आप अच्छे तरीके से लगाते जाएं। इसके ऊपर अब एक लीमू ले लें साबुत और इस लीमू को इसके ऊपर निचोड़ेंगे। इसके बीज आपने निकाल लेने, आप लेमन जूस भी ले सकते हैं, हमने तो डायरेक्ट आपको काट कर इसके ऊपर कर दिया। 2 चम्मच सुर्ख मिर्च लेंगे, इस तरह आपने डालते रहना। 1 स्पून छोटा टीस्पून हम लोग लेंगे अजवाइन का, 1/4 हम लोग गरम मसाले का लेंगे और थोड़ा सा नमक, वो सिर्फ टेस्ट के लिए मसाले में, अदरवाइज ये लगा होगा 4 से 5 घंटे मछली को लगा अजवाइन के साथ। और आप इसको अच्छे से मिक्स कर ले तमाम मसालों को। अब इसमें सूखा धनिया शामिल कर लेंगे। अब इस तरह एक मछली गन्नी ले लें आप और उसको यूं मसाले में रोल कर लें आप। इस तरह आप सबको मसाला लगाते जाएं बारी बारी। तरह आपने इसको मसाला लगा लेना है। ये देखें, अब हमने तमाम जितने भी हमारे पास पीसेस थे उन सब के ऊपर मसाला लगा लिया है। और जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा था कि कोई भी प्लास्टर की चंगेर या ये सुराखों वाली टोकरी आप लेकर उसमें रखिएगा, ताकि इसका जितना भी मसाला लगाने के बाद पानी है वो नुचड़ जाए। अब ये इस तरह आपने इसको रख लेना है। 3 से 4 घंटे के बाद आप इसको तल सकते हैं। ये फ्राई के लिए आप बिल्कुल रेडी है। रात भर हमने इसको मसाला लगा रहने दिया और उसके बाद आप इसकी देख सकते हैं कि ऊपर नीचे दोनों तरफ अच्छे तरीके से इसमें मसाला लग चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, अब हम इस तरह आप इसमें डाल देंगे। इस तरह आपने इसको दबा दबा के करनी है, ताकि जितना इसका पानी है वो खुशक हो जाए। ये देखें, इसका मतलब है इसके अंदर पानी है। जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए, जिस तरह करना है, जब थोड़ी बहुत होगी होगी। अभी हमारी फिश बिल्कुल रेडी है। आप गरम गरम फिश को मिंट की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, उन्होंने अगर किसी को कैचअप पसंद है तो उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमारी आज की डिश उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। नई रेसिपीज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।